सो गाइज यहाँ से हम जा रहे थे अब तेल पूज के वापस घर। तो ये अब ये मंदिर में ही हम लोग ने बहुत ज़्यादा डांस किया। तो बस ये देखिए मेरी चादर कितनी प्यारी लग रही है, हम दोनों सेम ही हो रहे थे बस। तो यहाँ पे सब ने, ये मेरी मामी, मेरी कज़न, चाची और मैं, पापा, भाई जब घर पहुँचे तो सारे के सारे इतने मस्ती से सब ने मतलब शादी को खूब इंजॉय कर रहे थे सब लोग। तो बस हल्दी पूछ के अब यहाँ से अब बस लोग इनका जी भर जाए आज के, तब हम यहाँ मंदिर से चल निकलेंगे। तो देखिए मंदिर से चल के अब पहुँच गए अपने घर, ये घर के बाहर। तो फिर इधर देखिए पापा, भैया, मामी, चाची, मेरी चाची, मेरा कज़न सब डांस कर रहे थे। सबने जी भर के डांस किया, जितना कह सकते उतना सबने बहुत इंजॉय किया। देखिए चारी अपने कितना इंजॉय कर रही है, मुझे लग रहा है मामा की पूरी शादी को बस ये ऐसे ही इंजॉय करें, कितनी खुश है। सब के सब लगे पड़े थे जी तोड़ के नाचने में, बहुत ज़्यादा खूब मन से लगे पड़े थे, सब के सब जी तोड़ नाच रहे थे बहुत मन से। उसके बाद मैं अपना यहाँ पे जब तेल पूछ के आता था मंदिर से तो अपना गेट की पूजन करते हैं। तो ये मैं गेट पूछ रही थी, पहले हल्दी का तिलक लगाते हैं, फिर उस पर अपना कुमकुम लगा के, फिर उस पर भोग लगा के उसके बाद पानी से सिराया जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे मैं गेट, दोनों तरफ मैंने गेट का पूजन किया। पूजन करने के बाद यहाँ पे ये देखो बस हाथ पाथ जोड़ के अपने भगवान से जो माफ़ी मांग ली, बस जो गलती उसे क्षमा करना। तो यहाँ पे देखिए ताई जी मुझे बता रही थी, वैसे वैसे मैं करते जाते, मैंने फर्स्ट टाइम, आपको पता है फर्स्ट टाइम ये सब किया है, देखा है पर किया फर्स्ट टाइम में। अब ये यहाँ पे सब लग गए, अब सब फ्री हो गए, सब चालू हो गए, भाई क्या बोलूँ, सारे घर वाले मस्ती हो रहे डांस करने में, तो सबको खूब करवा लो। देखिए तेल पूजने के बाद सब आ गए थे घर, घर आने के बाद अब यहाँ तैयारी हो रही है तेल पूजने की, भैया पे अब तेल चढ़ेगा। तो हल्दी और तेल लगाते ना तो वो तेल चढ़ेगा भैया पे। तो यहाँ पे देखिए सब बैठ चुके हैं और ये तैयारी, ये देखिए हमारी मम्मी जी का टीका लगा दे, लगवा नहीं रही थी, तो देखो कितनी प्यारी लग रही है ये। उसके बाद ये भाई चल रहे अब तेल पूजने के लिए, देखो हमारे ऐसे उजरी भर के जाते हैं तेल पूजने के लिए। अब ये जाके वहाँ पे मंडप के नीचे बैठेगा, तो ये देखो मंडप तो शायद बाद में करता है तेल पूजने के बाद, तो ये वहाँ पे जाके बैठेगा। फिर ये बैठ के उसका पंडित जी अपने मंत्र वंतर पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद वो अपने घर चले जाएंगे। उसके बाद भैया पे तेल चढ़ेगा, तो ये जाके देखिए जाके अपने वहाँ पे पटरे पे जाके बैठ रहा है। पूजा हो गई है स्टार्ट होने के बाद पंडित जी का काम पूजन का है, पूजा करके वो चले जाएंगे। अभी देखिए पंडित जी का काम हो गया, वो गायब। उसके बाद सब अब लग गए अब तेल चढ़ाने में, तो बारी बारी सब भैया को तेल चढ़ाए। मिला इधर दादी बनाती है, वही तो है ये। हाँ देखो तो, देखो दादी बनाती है ना, देखो। अब बारी आती है गेट, जहाँ पे भाभियाँ गेट को रोकती हैं, देरी रोकती हैं। देरी रोकने के बाद जो लड़का है, लड़की, शादी जिसकी शादी है, तो उसको जो तेल चढ़ के आता है ना, तो उसको अपना ये जो हाथ में ना मेरे, तो एक पोटली होती है उसमें पूड़ी और वो होते हैं गुलगुले जो होते हैं वो होते हैं, तो उसे ना ये लोग छीनती हैं। तो उस रस्म में देखते कौन जीतता है, भाभियाँ छीन लेती हैं या लड़के, लड़का या लड़की बचा लेता है। तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर ये देखिए भाभी बहुत ज़ोर दे रही है, कज़न साथ दे रहा है। तो देखो यहाँ पे भैया बहुत एंजॉय हुआ, यहाँ पे इतनी मस्ती हुई, बस पूछो मत। आखिर में देखना कौन जीतता है, ये भाभी ने खूब जोर लगा लिया था, भैया ने भी बहुत जोर लगा लिया था, बेचारी की हालत ख़राब हो गई थी रोकने में, क्योंकि ऐसे मैं कैसे बचा लूँ अपनी पोटली को। ये देखो ये देखो अब यहाँ पे स्टार्ट हो गया धक्कम धुक्की, और ये मेरा भाई आखिर में जीत गया और भाभी हार गई। ये रस्म भी बहुत अच्छी लगती है सही में, मतलब शादी की यार एक एक रस्म का एक अलग ही बात है, एक अलग ही इंजॉय है। तो देखिए यहाँ पे हमारी भाभी हार चुकी है, मेरा भाई जीत चुका है। अब बस अब यहाँ पे इनकी बस बहस हो रही है कि नहीं तुमने ऐसे किया, तुमने वैसे किया।
भाई सुबह, क्योंकि ये जितनी भी तेल चढ़ाते ना सबका व्रत होता है, व्रत भाई सुबह से इंतजार करके जब सारी पूजा पूरी होने के बाद। बाकी लोग तो खा सकते हैं पर जो तेल चढ़ाते हैं ना उनको रखना होता है व्रत, साथ में मम्मी को भी रखना होता है जिनके बच्चे की शादी होती है वही व्रत रखता है। सबका फिर इंतजार खत्म हुआ, अब घड़ी आई सबके पेट पूजा करने की, तो यहाँ पे सब खाना खाने में लगे हुए थे और इधर फिर मंडप गढ़ रहा था। तो यहाँ पे क्या होता है ना, गमला गमले में बार उसकी आम की डंडी गाड़ी जाती है, आम की डंडी पे ये पूरा मंडप की तैयारी हो रही थी। तो यहाँ पे ये सब बांधते, तो भैया मेरे कज़न है ये शगुन मांग रहा था, तो यहाँ पे बहस हो रही थी कि इतने नहीं इतने चाहिए मुझे, इतने नहीं इतने चाहिए। अब कुछ तो सपोर्ट करने वाले थे, कुछ तो चढ़ाने वाले थे, तो देखो ये कितने में मानता है। यहाँ पे भाई सब जाने में लग रहा था कि भाई इतने ले ले इतने ले, आखिर में ये मान गया और मंडप गढ़ गया। और यहाँ पे ये मंडप की रस्म भी होती है पूरी। चंदन का टुकड़ा बन्नी ऐसे बन्नी हम अरे हम पागल बैठे सब से उसमें बोल। फिर यहाँ पे सब जा रहे थे, कोई एक रसम होती है यार मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, पता नहीं कौन, मैं तो पहली बार भी देखी है रसम। तो यहाँ पे सब लेट नाइट जा रहे थे मंदिर पे पूजने, मंदिर पे जो वैसे नल होता है ना जहाँ पानी की जगह होती है वो, उसको पूजने जाते हैं। तो यहाँ पे गीत गाते हुए सब अपनी इस रसम को पूरी करने जा रहे थे। तो देखो आगे आगे लोग क्या कर, मतलब अभी बस ये मंदिर हमारे पास में ही है, तो ये सब गीत गाते हुए जा रहे थे। मैं थी आगे आगे कि भाई मैंने कभी ये देखी नहीं, मैं कह रहा था क्या जाता क्या पेन दुआ था कौन सी रस्म थी है? पता नहीं, अब दीदी मेरी ये रस्म को पूरा करेंगी इसको पूछ के। तो ये देखिए, तो दीदी बस यहाँ पे इस रस्म को कर रही है पूरा। तो ताई जी हमारी मेन हेड है यहाँ पे हमारी ताई जी, तो वो बस बता रही हैं कि कैसे कैसे यहाँ पे होगा, इस रस्म को पूरा करेंगे। तो बस दीदी इसी को पूरा कर रही है, मेन सारा काम वही है जो मैंने सुबह उसमें देरी पूजी थी ना अपने बाहर घर के बाहर, तो वही उसी का ही है। तो ये देखिए पीछे देखिए मामी वो तैयार कर रही है ये, क्या हमारे यहाँ से बोलते हैं ना अरे होली के टाइम पे वो मारते हैं उसको पीटने के लिए, इन सबको जितनी जितनी पूजने जाएंगे सबको मारा जाएगा इन सबसे। तो ये देखिए दीदी ये पूज रही है, मैं साथ में खड़ी हूँ बस लेके इसको, मैं अभी देख ही रही थी ये भाई क्या क्या होता है भाई शादी में, भाई की शादी में आज पता चली मेन रस्म में होती क्या क्या है। ये देखिए यहाँ पे ये रस्म भी हुई पूरी, अब इसको हम पूरा करके जाएंगे अपने वापस घर। घर जाने के बाद मौसी लग गई, पता है सबको वहीं से मारने में लग गई, मजाक मजाक में चिल्ला जा रही थी, मजाक कर रही थी। तो भाई यहाँ पे देखिए, बाकी आपको कैसा लगा हमारे हल्दी का फंक्शन, बस आज ये रस्म यहाँ पे सारी पूरी हुई। अब मिलते हैं आपको कल मेहंदी के ब्लॉग।